हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, जेई मेन के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बाद अभी नीट 2020 की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होना लगभग तैसा हो गया है। अभी एनटीए ने नीट 2020 के पोस्टपोन्ड का फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। सरकार ने भी यह माना है कि देश में कोचिंग व स्कूल क्लोज होने के बाद स्टूडेंट की स्टडी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई है। नीट 2020 की स्टडी करने वाले स्टूडेंट की स्टडी बाधित हुई है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए नीट 2020 पोस्टपोन्ड होने की पूरी संभावना है। अब ये 31 मार्च तक पता चलेगा कि नीट 2020 पोस्टपोन्ड होगी या नहीं, लेकिन अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है तो ये जून में कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अभी काफ़ी स्टेट में 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हुई हैं, इस कारण ये जून में कंडक्ट हो सकती है। दोस्तों, ये मेरा अपना मानना है कि नीट 2020 पोस्टपोन्ड होने की पूरी संभावना बन चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स ट्विटर पर भी नीट पोस्टपोन्ड करने के लिए गवर्नमेंट और एनटीए को ट्वीट कर रहे हैं। आप ट्विटर पर #नीट सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि नीट 2020 के पोस्टपोन्ड होने की पॉसिबिलिटी तो पूरी है, फिर भी आपको 3 मई 2020 के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी होगी। 31 मार्च 2020 से पहले ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होगा नीट का। तो दोस्तों, ये जानकारी थी नीट 2020 के बारे में। इस प्रकार से काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जैसे ही कोई इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी, हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।